अटैक इंडिया वापस आ चुका है। इस बार भी बहुत सारे अमेजिंग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, शार्क के थ्रू बहुत सारे पैसे उड़ाए जा रहे हैं। जितने भी हमें रेवोल्यूशनरी लग रहे थे वो सारे प्रोडक्ट्स को हमने खरीद लिए ताकि आपके सामने वो सारी चीजें हम एक्सपीरियंस करें। सबसे पहले स्टार्ट करें भाई एक अमेजिंग जूते से। ऑलराइट, इस तरह का आपको बॉक्स देखने को मिल जाएगा, फ्रंट आपको एरेटिव की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और प्राइसिंग यहाँ पर जो भी लिखी हुई है वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। गेट सेट ग्रो, ओके ब्रो। ऑलराइट, जस्ट लुक एट दिस जूता। ये कंपनी भाई क्लेम करती है कि बढ़ते बच्चे इसे 3-4 साल तक आराम से पहन सकते हैं। बेसिकली इसमें आपको 2-3 कलर देखने को मिल जाएंगे। पूरी बॉडी इसकी निटेड फैब्रिक की बनाई गई है, वेंटिलेशन के लिए आपको होल्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसकी निटिंग में जो थ्रेड यूज हुआ है ना वो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का एंड स्ट्रेचेबल भी है लाइक अ गोल्ड फ्लैट। थोड़ा सा देना इधर में एरेटो की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ऊपर में एक आपको इलास्टिक देखने को मिलता है, बॉटम की साइड में आपको पूरा रबर का आउटर सोल देखने को मिल जाएगा। मिड सोल के नाम पर यहाँ पर कुछ है नहीं और इनर पैडिंग की भी बात करें ना काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन एक चीज आप नोटिस करोगे, इसके टो के पास में ना बहुत सारे ऐसे कट्स टाइप की ना चीजें बनी हुई है जिसके कारण इसका कपड़ा और इसका आउटर सोल भी ना काफी अच्छे से फैल पाता है। मेरे हिसाब से देखो कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अच्छा है, इनोवेटिव है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग भाई 2-4 साल तक ना एक जूते को पहनना ही नहीं चाहते। लिटरली पहले हमने इसे 6 नंबर में डालकर देखा और अच्छे से फिट आ रहा था, फिर हमने 7 में स्विच किया, अमेजिंगली फिट हो रहा था। एंड पर्सनली मैंने इसे अपने पैरों में यानी 9 नंबर के साइज में पहना है और ये ठीक ठाक घुस जा रहा था। वैसे अगर इसके प्राइसिंग की बात करें भाई, इसकी प्राइस 2800 रुपए की है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है भाई एक अमेजिंग सा खिलौना। भाई एकदम छोटू सी पैकेजिंग है, इसकी फ्रंट में इसकी ब्रांडिंग की हुई है और इसको खोलने में भाई ऐसी कॉफिन जैसी फीलिंग आती है, अंदर में मरा हुआ आदमी लेटा हुआ है, वो जीप चढ़ा है। बेसिकली एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉय है। ऑलराइट, इसको बस क्या करना है कि एक इंसान को पकड़ना है, एक दूसरे इंसान को टच करना है। ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इसे टच भी कर रहा हूं ना तो एक अलग सा साउंड आता है। ये साउंड आ रहा है तो ये साउंड नहीं आना चाहिए था, आवाज भी ना काफी डरावनी सी लगती है, मतलब ऐसा लगा कोई चुड़ैल चिल्ला रही है। प्रोडक्ट भाई बहुत ज्यादा टेस्टी है और आपके मुंह से लाल टपकेंगे। ये है एक हनी मेकिंग कंपनी का ट्रायल पैक और काफी ज्यादा खूबसूरत इसकी पैकेजिंग। मेरे को पर्सनल इंटरेस्ट है भाई इस लीची हनी पे, क्योंकि लीची होता है व्हाइट, हनी होता है पीला, ऐसे ऐसे फ्लेवर बनाओगे दाग हो जाएगा गीला। ऑलराइट, सो पूरी टीम मिलकर हम इसे टेस्ट करने वाले और आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली कैसा लगेगा। फर्स्टली हम टेस्ट करेंगे ये हिमालयन हनी, इस तरह का पैकेजिंग है इसका, एक एक करके सब ले लो। ये मुझे पहले थोड़ा सा दवाई जैसा लगा और उसके बाद हनी, ये नॉर्मल हनी जैसा है पूरा, दवाई साफी जैसा फ्लेवर लाइक आंवला का जो मुरब्बा खाते हैं ना गुरु वाला वैसा लग रहा है। इस हनी के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसके फ्लेवर का नाम है नेचुरल लीची हनी। यार इसका नाम लीची क्यों है ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। इसमें कुछ अजीब सा छोटा छोटा व्हाइट व्हाइट पीसेस है, हमको तो कोई फ्लेवर ही नहीं आ रहा है, बहुत अजीब। ये हम ट्राई कर रहे हैं लेमन इन्फ्यूज्ड हनी, इसमें नींबू टाइप का हल्का सा तो फ्लेवर आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि हनी और नींबू का अचार को ना मिक्स करके खा रहे। नेक्स्ट है वनीला इन्फ्यूज्ड, पता नहीं हनी खाने के बाद हम मीठा बोलेंगे कि दुनिया हमारे बारे में मीठा मीठा बोलेगी। अच्छा था, अच्छा काम करता था। वनीला वाला फ्लेवर तो है पर ऐसा लग रहा है ना बटर स्कॉच का, वो जो थोड़ा थोड़ा रहता है दाना दाना, कोकोनट लग रहा है पाउडर डाला हुआ है। भाई मुझे तो लगा आइसक्रीम मिलेगा यार। ये भाई टर्मरिक इन्फ्यूज्ड हनी और एक्चुअल इस पैकेट के अंदर भाई हल्दी डाली हुई है। इसमें एक्चुअल हनी और हल्दी का प्रॉपर टेस्ट आ रहा था। नेक्स्ट है ये सिनेमन वाली हनी, सिनेमन यानी दालचीनी, इसमें दालचीना का डाल No words, guys. शायद से इतना हनी खाना भी नहीं चाहिए एक बार में जितना हमने खाया है, ओवरडोज कर लिया हमने। इसकी प्राइसिंग 499 रुपए और हनी के हिसाब से ना थोड़ी सी मुझे ज्यादा महंगी लगी, सिर्फ फ्लेवर के नाम पर एक्चुअल फ्लेवर निकाला जा रहा है वो भी पॉकेट से। नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई आदिल कादरी परफ्यूम्स। ओहो भाई, बेसिकली ये ब्रांड परफ्यूम्स नहीं बल्कि अतर बनाती है। हम ये सेकंड वाला परफ्यूम ट्राई करेंगे क्योंकि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया है कि ये लव्ड बाय शार्क्स है। इसका नाम है शनाया शनाया शनाया। ये शार्क से मच्छी से बांस क्यों है? वैसे हर परफ्यूम या सेंट के ऊपर अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन होती है, तो एक बार सबके साथ टेस्ट करते हैं। ये वाले का नाम है लेडर। अच्छा था, बहुत अच्छा, ठीक ठाक, अच्छा था, सीधा सा बात। नेक्स्ट, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, बहुत ज्यादा हार्ड है, मेरा नाक तक नहीं पहुंचा। यार मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली देखो वही होता है कि सबके नाकों की ना अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो भाई को अगर ये अच्छा लगा मतलब उसको स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स अच्छे लगते होंगे, हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। ये ग्रीन बोतल में तो मैं इसको एकदम बेस्ट इतर सोचूंगा कि मे बी होगा ऐसा। नो नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं जम रहा भाई, बिल्कुल नहीं जम रहा। हमको बहुत अच्छा लगा, स्ट्रॉन्ग अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा हार्ड और इसमें जैस्मिन सा स्मेल आ रहा है। लाविस मश, लाविस मतलब अल्ट्रा रिच।
बड़ा ही अजीब सा है, मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते ना कि मतलब क्या ही है। मतलब ये थोड़ा लाइट है और अच्छा लग रहा है मुझे तो। हमको सर्दी नहीं है पर नाक तक नहीं पहुंच रहा। वो तो सर्दी आया ही नहीं, बहुत ज्यादा लाइट है, मेरे भी नाक तक नहीं पहुंच रहा। लाइट है पर जैसे पुराना कॉस्मेटिक स्मेल करता है ना, वैसा टाइप का आ रहा है। नेक्स्ट है ऑल अध हाशमी। अरे इस हाथ से थप्पड़ खा करके तो देखो महकते रह जाओगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मिंट ट्री का पील अपील सीरम। भाई इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं बल्कि मजा डाला गया है, आहा एंड भा। और उसके नीचे मिलता है भाई लेमन पील ऑयल। ये भारतीय ऑयल की खट्टी बहन है। लेट्स अनबॉक्स दिस। ओ भाई ये कैसी पैकेजिंग है, देख कैसा लग रहा है कि प्रोडक्ट को फांसी दी गई है। जब ये खुद से खड़ा हो सकता है तो इसको खड़ा करने का स्टैंड बनाने की क्या जरूरत, ऐसा बच जाता लकड़ी भी। ये प्रोडक्ट भाई वैसे काफी ज्यादा यूजफुल है, सिंपल सा इसका काम ये है, बॉडी में जितने भी काले स्पॉट्स होते हैं ना, जैसे एल्बो के पास में, नीज के पास में या फिर फीट के पास में, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, उसको बस उस स्पॉट पे लगाना है, ऐसे रब रब करना, अंदर से निकलती है खैनी, आपका जो स्किन है वो एकदम मस्त चिकना हो जाएगा, लेकिन सादा नहीं होगा क्योंकि स्किन है, टाइट थोड़ी ना। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है भाई एक अमेजिंग सा खाने पीने का पदार्थ। यहाँ पर लिखा हुआ भाई हाय टिगलर, व्हाट्स योर मूड टुडे, आओ खा जाता हूँ मैं, करूंगा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। ये कौन सा मूड है, अंदर में हमें मिलता है फ्री मार्शमेलो। थोड़े मोड़े गेम्स वेम्स यहाँ पर दिए हुए, कलर कर सकते हो, यहाँ पर ये खेल सकते हो वर्ड्स वाला गेम। कॉफी क्या खरीद लिया, एग्रीमेंट साइन करना पड़ रहा भाई। ऑलराइट, एक बड़ा वाला पैकेट हमने यहाँ पर लिया है डार्क हॉट चॉकलेट का, बाकी सारे छोटे छोटे जितने भी पैकेट है वो आइस चॉकलेट वाले हैं। अभी हम बना रहे हैं भाई डार्क हॉट चॉकलेट, ऐड करेंगे इससे पेस्ट बनाना है। पेस्ट इज रेडी, हमारे पास स्टूडियो में यही बर्तन था तो हम इसी में बना रहे हैं। हमारा ड्रिंक तैयार है, इस तरह से कुछ दिख रहा है, काफी थिक सा चॉकलेट शेक और साथ में फ्री मिला था मार्शमेलो, तो हम सारे एक साथ मार्शमेलो भी ट्राई करेंगे। ये वीगन मार्शमेलो है, वो ओरिजिनल वाला नहीं है। देखो पर्सनली मुझे चॉकलेट उतना पसंद नहीं है, लेकिन ये अच्छा लग रहा था। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। इसे बनाने के लिए जो जो चीज लगने वाली है इस सिंगल आइस चॉकलेट को, उसके लिए हमने सारी जुगाड़ कर ली यहाँ पर। ये देख लो इस तरह का पैकेट है, और इसे बनाने के लिए बस दूध डालना, इसे डालना, देयर इज नो थ्री स्टेप। सबसे पहले डालेंगे दूध, और हमने उसके लिए अपना टिफिन यूज कर लिया भाई, सो सॉरी। बस इसको फाड़ दे और डाल देना इसमें। वो भाई बहुत इन्वेस्ट किया इस वीडियो के लिए, लेट्स गो। इसको बनाने के बाद ऐसा फील हो रहा है ना कि हमने ही बनाया, कोई प्रोफेशनल तो ऐसा बनाएगा नहीं, अच्छा ही बनाएगा। नॉर्मल चॉकलेट जैसा बनेगा ना वैसे ही। बच्चों टाइप ज्यादा लगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट आ गया दोस्तों, आई गजब की चीज हम अनबॉक्स करने वाले हैं। ब्रांड का नाम है कलाकरम, हस्तकरम व्यायाम का याद आ गया। बेसिकली ये ब्रांड अपनी वेबसाइट पे अलग अलग तरह की DIY चीजें बेचती है। मेक योर ओन सपना तीरंदाज ड्रीम कैचर। प्राइसिंग की बात हम एंड में करेंगे, फटाफट अनबॉक्स करते हैं। ये सारी चीजें हमें मिल जाती है जो जो इस चीज को बनाने में लगेगी। साइड में आपको मिलते हैं बुढ़िया का बाल हरे हरे, जो कि कराए गए हैं कलर कलर मेट से। उसके बाद यहाँ पर आपको और फेदर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि इस पूरे DIY प्रोजेक्ट में यूज होने वाला है। आगे उसके बाद ये पूरा इंस्ट्रक्शंस आपको एकदम अच्छे से मिल जाएगा। जब मैं अदर वीडियोस आपके लिए शूट कर रहा था, पूरी टीम ने मिलकर इसे बनाया एंड काफी फन एक्टिविटी थी। एक्चुअल में जो बन के निकला वो काफी खूबसूरत था। इतनी तामझाम की प्राइसिंग आपको पे करनी है भाई 559 रुपए, और इतनी सारी एक्टिविटी और एक फन चीज करने के लिए इतनी प्राइसिंग भाई ऑनलाइन के हिसाब से मैं ठीक ही कहूंगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट का नाम है भाई बार्डसन्स। बेसिकली ये बार्डसन्स एक कॉकटेल मिक्सर टाइप की कंपनी है। एक पर्टिकुलर बोतल से ना एक ग्लास मॉकटेल बनता है या कॉकटेल बनता है, मुझे उतना पता नहीं, लेकिन घोर घर का पिएगा, मजा लेंगे सब मिलकर टीम। बर्फ को ठंडा करते हुए रेडी करते हुए शूट के लिए वन चांस बार में आपका स्वागत है। हमारे पास बर्फ, उसके बाद है हमारे पास नींबू, और तोड़ने के लिए हमारे पास यही मिला, आप क्या ही कर सकते हैं। अरे सीख गया सीख गया। बर्फ हमने ऐड कर लिया, ज्यादा हम दिमाग लगाएंगे नहीं, सबसे पहले डालेंगे सोडा। आबरा कडाबरा। इसमें है ब्लू पी फ्लावर मिंट लाइम चाइल्डहुड क्रश इंडियन समर ऑब्वियसली मैंगो हो। नेक्स्ट है लिक्विड गोल्ड, ये है मेमेंटो। ऑल टाइम फेवरेट स्ट्रॉबेरी एंड जलापीनो या हैलापीनो जो भी है भाई, मजा आ जाएगा। सबसे पहले हम ट्राई कर रहे हैं ये आवरा का डावरा वाला। इसे वैसे लिखा गया कि जिन एंड वोडका के साथ लेना चाहिए, लेकिन समझ सकते हैं तो फिर इसे साइड में रखते हैं। ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, काफी खूबसूरत सा। अरे चाय नहीं पी रहा भाई, तो इसमें थोड़ा मिंट का डोमिनेटिंग फ्लेवर। हमको फ्लेवर नहीं आया, हमको सोडा आया। मेरे को भी बहुत ज्यादा मिंटी एंड टेस्टी लगा भाई, चाइल्डहुड क्रश। और ये इस तरह से मिक्स होने के बाद दिखता है अमृत का पूरा स्मेल।
इसमें कोकोनट जैसा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अमरूद का फ्लेवर आ रहा था। इसमें गुआवा का फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ रहा है। अमरूद का फ्लेवर है, मेरे को कोकोनट और गुआवा दोनों का मिक्सचर आया है। मेरे को मजा आया। इंडियन समर, और बिल्कुल ही इंडियन समर के हिसाब से मैंगो मैंगो पूरा दिख रहा है। बताए पींग मैंगो। हमको ये बचपन का फ्रूटी वाला फ्लेवर आ रहा था, कच्चा मैंगो जैसा फ्लेवर था। नेक्स्ट इज ऑल टाइम फेवरेट, ये दिखेगा इस तरह से। अरे भाई पहले में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मेरे को, टेस्ट एकदम भाई यार टेस्ट बेकार था। जब डिस्को वाला मूड हो और सब नाच रहे हो तो ऐसा चलो और नाचते हैं, वो उस समय शायद अच्छा लगे, लेकिन अभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। नेक्स्ट है हमारा भाई मोमेंटो, और इसमें है टर्मरिक ऑरेंज रॉ केन शुगर, और ये भाई सबसे खतरनाक दिखने वाला अपना ग्लास है, और इसे पिया जाता है विस्की एंड रम से। भाई टेक्कड़ों के समाज से आते हैं ये पदार्थ, लेट्स गो। ये बड़ा अजीब था, कुछ समझ ही नहीं आया क्या, बहुत बेकार लगा। कोला में चीनी कप। नेक्स्ट है लिक्विड गोल्ड, और इसमें है जिंजर क्लोव एंड कार्डमम। हॉस्पिटल जैसा क्यों महंग रहा है, इन्हें भी फिनाइल जैसा। नेक्स्ट लाइनअप हमारी लगी, और पहला हम ट्राई कर रहे हैं समर ऑफ 2000, इसमें है स्मोक्ड पाइनएप्पल एंड बेजल। लाइक नहीं है। क्लासिक मार्गरीटा, और इसमें ऑरेंज पील एंड हिमालयन पिंक साल्ट। ओ भाई बहुत खट्टा है। द एम्ब्रेस, हमने अफोर्ड पूरा लगाया भाई। फूड। नेक्स्ट है क्लासिक साल्ट, इसमें सिनेमन एंड ऑरेंज पील तरह का दिखता है। बंटा सोडा, नींबू पानी, सोडा पानी, लेमन सोडा, सोडा लेमन, लेमन सोडा, सोडा लेमन, लेमन सोडा। नेक्स्ट है विनिंग शॉट कुकम्बर, अरे भाई काफीर लाइम। ओ भाई हमने भी रहे, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। नेक्स्ट इज द लास्ट है रेड एंड रम, ये जामुन, मेरे को जामुन बहुत पसंद है। ये लास्ट है, नाभि के अंदर बूंद टपका और गोरा हो जा वाली परंपरा। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? ओ भाई, अब चूंकि इस प्रोडक्ट को लंबे समय तक टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि इसका इफेक्ट क्या होगा, जिसके लिए हम ऋतिक को ये मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ। 15 दिन बाद रिजल्ट हम आपको इंस्टाग्राम में शेयर करेंगे, तो मेक श्योर कि वहां पर जाकर फॉलो कर लेना। ऑलराइट, नेक्स्ट शार्क टैंक का प्रोडक्ट है द सिनेमन किचन, ये भी टेस्ट करने वाला प्रोडक्ट था, तो हम पूरी टीम एक साथ टेस्ट कर रहे हैं। इस तरह की काफी खूबसूरत पैकेजिंग है, बता भाई कैसा पैकेजिंग, मस्त है ना, सुंदर सा, बहुत सुंदर सी पैकेजिंग है। तो एक ये डब्बा है, एक ये इसके अंदर कुछ स्नैक्स है, इसके अंदर बेसिकली बहुत सारी कुकीज है। सबसे पहले हम ट्राई कर रहे हैं फर्ज, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर भी था। ये इस तरह का पैकेजिंग है, देख लो भाई कितना छोटा सा है। अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट है ये भी है एक कुकी, बहुत ज्यादा टेस्टी। सरप्राइजिंग ये है कि ना अंदर में अभी भी चोकोलावा केक की तरह गीला गीला चॉकलेट है अंदर में, मजा आया। चलो मेथी मिलेट क्रैकर्स, भाई पूरा थेपला वाला स्मेल आ रहा है मेरे को, सच बता रहा हूँ, मजा आया। स्पाइसी वीगन शेडर चिप्स, अरे ये कुरकुरे जैसा नाचो, कुछ तो ऐसे ही आ रहा है, बड़ा फीका सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसके साथ कोई चटनी, कुछ चाय, ऐसा कुछ उधर ड्रिंक तो मजा आता। लेमन लैवेंडर कुकी, भाई ऐसे इंग्रेडिएंट्स ना हमने जिंदगी में नहीं सुने। हम आते हैं नारियल बिस्कुट, पैकेजिंग अच्छा, ऐसा लग रहा है कि स्वीटनर वीटनर ज्यादा नहीं है, फीका फीका। नेक्स्ट वाला पैकेट भी वही बड़ा वाला पैकेट है जिसमें मेथी मिलेट्स क्रैकर है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम ट्राई कर रहे हैं ये गुड गम, ये बायोडिग्रेडेबल है, 100% नेचुरल, शुगर फ्री, प्लास्टिक फ्री, किड फ्रेंडली और वीगन वाला है। जो भी है फटाफट टेस्ट करेंगे। पैकेजिंग इस तरह की दिखती है, गुड गम नेचुरल चिंगम, चारकोल प्लस स्पेयर मिंट फ्लेवर है ये। फ्लेवर काफी नेचुरल और अच्छा आ रहा है, बहुत ज्यादा स्वीट स्वीट एकदम नहीं लग रहा है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा है, रिफ्रेशिंग। नेक्स्ट हम ट्राई कर रहे हैं लेमन फ्लेवर, पैकेजिंग तो भाई बहुत गंदी है, मतलब क्या ही बोलूं यार, पेट दर्द की गोलियां जो रोड में कोई बाबा बेच रहा होता उस टाइप की, मतलब भाई फ्लेवर्स में तो इनमें दम है, और जो फ्लेवर लिख रहे वो फ्लेवर आ रही है। नेक्स्ट है रास्पबेरी, सेंटर फ्रूट। नेक्स्ट स्ट्रॉबेरी, सेम पैकेजिंग बस फोटो चेंज कर दिया, च्युइंगम कम राका का माल ज्यादा लगता है, कीमती हीरे ये रहे। स्ट्रॉबेरी जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा, बढ़िया है लेकिन च्युइंगम काफी बढ़िया, मैं जरूर से कस्टमर बनूंगा। आई हमने बहुत ज्यादा मजा किया, आई होप आपको भी बहुत ज्यादा मजा आया हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बूम।